घर जा रहे हो तो भाई एक्चुअली कुछ मिस मिस हैपनिंग हो गया वहाँ पे। जी जी कर यो दिखा के लाओ वही दिखा के लाओ। भाई दिखा के लाओ। है मम्मी आपकी बेटी जब दिखा रही है ना छोड़ दो तो कुल्ला कर वाला तो आप तो फिर भी माँ हो तो आप अपना ही गड्डी बना के तो देती है। छह दिन दूंगी उन तो कर अलग अलग ये दे दूंगी। हाँ। नया क्यों खराब करूँ। हाँ ये तीनों ही बाढ़ सुतरी है वे मौसी और बेबी सुतरी है ना। हाँ मतलब हाँ यहाँ कई बात टाइम बताएगा सबका मुंह बंद हो जाएगा। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब भाई आप सब अच्छे होंगे हम भी एकदम बढ़िया। और गाइस अभी हो रहा है टाइम 6:15 हाँ 6:13 हो रहा है और काम मेरा अभी सारा हो गया मतलब कि वो वाला बच्चों वाला ठीक है। यहाँ पे दूध भी लगा हुआ है और अंदर लंच भी पूरा तैयार हो गया। बच्चे थोड़े बच्चों को उठाऊँगी अभी उनको रेडी करूँगी। बाकी खाना ये मखाने वगैरह रेडी हो रहे हैं। सब्जी मैंने बना दी आलू बैंगन की और रोटियाँ भी बन गई है। लंच भी मैंने पैक कर दिया है तो अभी बस फटाफट इसमें थोड़ी सी कसर है इसको बना के। और गाइस आज मुझे घर जाना है एक अर्जेंट काम से तो क्या है क्या सीन है वहाँ का वो मैं बताऊँगी आपको बाद में आके वहाँ होने होके आने के बाद में। अभी फ़िलहाल तो बस ये बना के और मतलब ये बनते रहेंगे इनको मैं छोड़ के बच्चों को उठाऊँगी उनको रेडी करूँगी दूध वगैरह दूँगी और फिर फटाफट से काम करके फटाफट से जाऊँगी ठीक है। तो चलो अभी कर लेते हैं काम और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी बस मैंने यही सूट पहना है क्योंकि घर जा रहे हैं तो भाई एक्चुअली कुछ मिस मिस हैपनिंग हो गया। हेलो एवरीवन तो गाइस काम वाम सारा हो गया है नहा धो लिए रेडी हो गए तो अभी जाएंगे घर। इनको बुलाया मैंने ये छोड़ के आएंगे वहां तक और फिर हम जाएंगे। किसके साथ जाएंगे कहाँ पे जाएंगे वो अगर हो सका तो दिखाए क्योंकि ऐसी चीज के लिए जा रहे हैं कि वहां पे तो ऐसा कुछ बन नहीं पाएगा पर मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ इसलिए। बाकी तो घर भर जाके फिर देखेंगे मिलवाएंगे आपको सबसे जैसा भी हो पाएगा वो दिखा देंगे आगे। तो चलो अभी चलते हैं। बुलाई तो ना लिया बैठा कहीं तो अच्छा 30 रुपए भाड़ा कर लूंगी जी देख ले यहाँ पे भी हाँ। देख ले अभी यो दिखा के लाओ वही दिखा के लाओ भाई कुछ सामान तो पति पैक भी रखे हुए है ना पैक कर रही है इसी दवाई ना पड़ोसिया देखो ये इब गए नु घर में पड़ोसिया ने जिमाऊंगा थम देओ ना देओ मैं देऊंगा इब ना लग रहा पीला अरे मैं तो के नहीं मु ढूंढ ले बताई के ढूंढा एक पार्ट दे दे सी हां कितनो गहर हो रहा मिले भी कहां पर फूट कितनो बढ़िया रहा है चलेगी इतनो रस जमीन में ही हुआ है वो तो पौधा तो गमला में ना हुआ है कितना ही कर लो जी चल को सुतरो रो बोल देखे कैसे बढ़िया ले चलो मम्मी साथी तो ले जाओ पान लेके मैं आज के बार है जी नहीं तन कई दिन हो ले कहते कहते मेरी साटी मंगवा दे साटी अच्छा नहीं ले जा रही है तो जितनी तो चल मैं फटक साग दे फिर एक कटोरी दे दियो मार तो वरना देख लो मम्मी भैया तो मम्मी की लाइडी चीज है अपने भाभी की बांट सके थी आप बड़ी पना मैं दूंगी तुमने एक पैसा जी जी ये आपको मानतन का पैसा ध्यान ना रही थे तो बता दिया ना है मम्मी आपकी बेटी जब दिखा रही है ना छोड़ दो तो कुल्ला कर वाला तो आप तो फिर भी माँ हो तो आपके ने करवाना तो चले है ये और लगा मेरा उनमें बराबर है यार भाई खुला पता बराबर का पैसा दे रही हूँ क्या बात है हम तो दस 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 कर देखी थी और देख लो साइज रवे गला दिखाइयो मम्मी मम्मी गैल सारा आपकी सासू लुटने लग रही बाप के सामने देखो रिशु ना रिशु सार को तो फेंक कर मारोगे नहीं माँ जी मुझे नहीं चाहिए आप अपने पास रखो हाँ हाँ सही भाई दुकान वाला का तो चल जाए पर हाँ गाइस अपना तो सारा करारा करारा कर लिया देखो और मम्मी तो सारा गले गले दे दिया जो कह रही मम्मी आप तो यूज कर लियो बताओ
और अपना ही गड्डी बना के तो देती है मैं अपनी मौसी जी तो इतना प्यार करे थी घर की तुम नहीं देखे गरीब लोग ना बना के लिए ना गाई बहुत भाई और क्या सुतरी थी गाई जी भाई वाह अच्छो ना लगे भाई वैसे तो बहुत वैसे ना बनाए मुंते थे जी जी तो बताई थी भाई वाह हाँ वाह मम्मी हमारी ना बहुत ज्यादा मतलब है ना मम्मी बहुत घनी बीमार थी और बहुत ज्यादा बुढ़ी थी तो हाँ सुतरी तो थी सुतरी तो थी हाँ ये तीनों ही बाढ़ सुतरी है वे मौसी और बेबी सुतरी है ना देख लो सुतरी ले रखी है ठीक है बेशक ना ही नहीं हो पर मेरा फोन में कभी एकदम बुगला से आ रही हो ना आके देख लो देख लो देख लो कोई कह नहीं सकता सुनो वो जब छोरी देख लेगी ना फिर तो हम सब बीमार भी उठ उठ के चल देगा चलो करो ब्याह तो बीमार हो जाए सारा खर्चा ना भाई इतना इतना बाबा तो क्या कह रही देख लो इतना इतना कम अभी और मेरे बीपी डाउन टेंशन में हो रहा कि भाई हमारा बालका की छोरी मिलना रही तो हम जल्दी करो कोई नहीं टाइम बताएगा हम देंगे जो बिल्कुल हाँ या कई बात टाइम बताएगा सबका मुंह बंद हो जाएगा हाँ खर्चा चलता रहेगा सही बात है चाय की घूट तो मार के जाऊंगा अब दुर्बण वाली तो है और सही है बीमार हो रही थी अपने भाई संभालूंगा भाई आज कोई ना पी लो फिर पी के चलांगा हम तो अपनी मम्मी लो अपने बनाई आपने कैसी जाएंगे बट जाना जरूरी था क्योंकि अपने रिलेशन को हमने निभाएंगे तो कौन निभाएगा है ना जाना आना तो लगा रहना चाहिए जहाँ पे जाने की जगह होती है वहां ठीक है तो इसलिए जाना जरूरी था मेरा बट फिर भी मैं मेरे को बस थोड़ा सा बच्चों का था कि कभी लेट हो जाए बच्चे आए तब तक या कुछ भी मतलब ऐसे ही वो तब अदरवाइज मेरे को कोई इशू नहीं होता अपने घर जाने में कैसा वो है ना तो इसलिए मैं खाना वाना खा लूँ पहले फिर मिलते हैं नहाई धोई बाल बाल धोए अभी तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में टाइम हो रहा है 6 तो अभी इन्होंने बोला था कि चावल खाएंगे सारे तो इसलिए नमकीन चावल बनाएंगे मैं एक चीज़ एक बार ट्राई करना अच्छा
कर लेना अभी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बस प्याज आलू ये डालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे। और अभी फटाफट से तो ना चावल में तो कितना ही टाइम लगता है काट पीट के डाल के फिर बनाएंगे और खाएंगे। तो हेलो एवरीवन, तो गाइज अभी चलिए कर लेते हैं चावल बनाने की तैयारी, क्योंकि इनका मन था कि सारे साथ में खाएंगे। तो वैसे तो मैंने बोला कि चलो 3 बजे से पहले मैं बना देती हूँ, बट इन्होंने बोला नहीं अभी नहीं खाऊंगा, जाऊंगा तब खाऊंगा, खेलने जाऊंगा जब 5 बजे 6 बजे जब भी जाते हैं। तो अभी टाइम वही हो रहा है, हम ट्यूशन से फ्री होके बस अब आए थे, फिर आके मैंने चावल बनाने की तैयारी करी। तो गाइज चावल में क्या क्या डलेगा, यही सारी चीज़ें डलेगी। पहले मैंने आलू प्याज टमाटर दो 3 आलू लिए थे, क्योंकि ज़्यादा बने हैं ना हम सारे थे, तो 2-3 आलू लिए हैं और दो टमाटर लिए थे, हाँ 2 टमाटर लिए थे और एक प्याज ली थी और हरी मिर्च ली थी। सबको कट करके तेल डाला और ज़ीरा अभी थानी ख़त्म हो रखा था तो आएगा दोबारा से मंगवाएंगे, उसमें तेल में प्याज डाली, फिर वो थोड़ी जब ब्राउन सी होगी टमाटर डाला आलू डाला। और अब इसमें अपने बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, नमक हो गया, सारी चीज़ और थोड़ा सा वो, हाँ बस यही चीज़ें थी, इनको डाल देते हैं। और जो चाट मसाला वगैरह था वो गैस मैंने गरम मसाला नहीं डाला लास्ट में, चाट मसाला डाला क्योंकि उससे और अच्छा टेस्ट हो जाता है और बच्चों को सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को पसंद आता है वो डालने के बाद में चीज़ें, इसलिए। तो अभी इनको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद में और फिर उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें मैंने पानी डाल दिया, अभी एक ग्लास पानी सिर्फ इसलिए डाला ताकि नीचे की जो चीज़ें हैं टमाटर प्याज आलू ये सारी चीज़ें जले ना, अच्छे से पानी के साथ मिक्स होके मसाले भी मिक्स हो जाए। और फिर मैंने इसके ऊपर से चावल डाल दिए, चावल डालने के बाद मैंने एक ग्लास पानी और डाला और फिर इतना पानी इसके लिए सफिशियंट था। अब इसको बंद करके रख देते हैं, तो इसको बनने में बस 3 विसल में लगवाती हूँ, 3 विसल में काफ़ी अच्छी बन जाती है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि मेरा कुकर थोड़ी छोटी सीटियाँ मारता है इसलिए, तो मैं इसमें 3 ही लगवाती हूँ, तो 3 में प्रॉपर चीज़ें बन जाती है। तो जब तक चावल बनते हैं तब तक मैं अपना कोई और काम कर लेती हूँ। गाइज आप देख सकते हैं हमारे चावल हो गए हैं रेडी, एकदम मस्त खिले खिले, और आहा क्या मस्त खुशबू आ रही थी ना चाट मसाले की भी, और एक अलग सा टेस्ट था बिल्कुल, और ना पानी ज़्यादा ना कम बिल्कुल। और गाइज ज़्यादा आलू डालने का मेन रीज़न ये भी था कि मेरे बेटे प्याज तो और टमाटर तो देखो छाट छाट के फेंक देते हैं, तो फिर उसमें क्या ही फ़ायदा, तो एटलीस्ट वो आलू तो खैर आलू और चाव से खा लेते हैं, इसलिए ज़्यादा आलू डालने का मेन पर्पज़ था। और सब्जी वगैरह और भी आप डाल सकते हो कुछ भी, बट अभी हमारे पास यही सब चीज़ें थी और यही सब चीज़ें, जैसे मैंने बताया बच्चे चोचले करते इस वजह से भी हम नहीं डालते, बट सर्दियों में तो मटर वगैरह डाल के भी अच्छे से बन जाता है। तो अभी बस ये मैंने सबके लिए खाना वाना सॉरी चावल लगा दिए, दही डाल दिए, दही आज बस थोड़ा ही रखा था मैंने, क्योंकि कोई प्लान नहीं था हमारा कुछ बनाने का इसलिए, तो मैं एक ही मग्गी दही रखती हूँ, तो इसमें से हमने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके खा लिया था। बट नेक्स्ट डे से मैं जैसे कुछ ना कुछ बनता रहेगा तो मैं ज़्यादा दही रखूंगी। और यहाँ पे गाइस हमने सबने फिर बैठ के चावल वावल खाए, चावल खाने के बाद में फिर बच्चे चले गए थे वाटिका में खेलने, मैंने अपना बाकी का काम निपटाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट मतलब कि फ़ोन देखना होता है हमारी लैंग्वेज में, रेस्ट करना मीन्स फ़ोन देखना, और अभी बस खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं। फिर शाम को बच्चों ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, ठीक है, उन्होंने बस दूध वगैरह पी के वो फ्री हो गए थे, क्योंकि फिर 1-2 घंटे में भूख इतनी नहीं लग पाती है इसलिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, हो गया खा पी लिया हमने भी, और अब बस बर्तन हो गए बहुत सारे, दिखाते हो आपको अब सारा किचन विजन सेट करेंगे, सारे बर्तन क्लीन करेंगे फिर खत्म।